मुरादाबाद की समाज सेविका शिखा गुप्ता ने बढ़ती बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करने के लिए अब जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें लगातार उन्हें सफलता भी मिल रही है। शिखा गुप्ता का ये कहना है कि इस कार्य से लोगों को रोजगार भी मिला है और इस खेती के बारे में लोगों को जानकारी भी मिली है। मुरादाबाद की शिखा गुप्ता ने बढ़ती हुई बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करने के लिए मुरादाबाद में जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। शिखा गुप्ता के मुताबिक वो अभी तक अपने इस अभियान में 167 किसानों को जोड़कर उन्हें जैविक खेती करने के लिए तैयार कर चुके हैं। शिखा गुप्ता के मुताबिक उन्होंने गांव-गांव जाकर सभी 167 किसानों से पहले एक एक बीघा जमीन में खेती करने की बात तय की है। जैविक खेती करने के लिए किसानों को जागरूक करने वाली शिखा गुप्ता ने खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाली जहरीली सामग्री से कैसे बचें, इसके लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। किसानों को बुलाकर जागरूक किया जा रहा है कि वो जैविक खेती करें और अपनी फसल अच्छी करने के साथ ही लोगों को बीमार होने से भी बचाएं। किसानों को जागरूक करने के लिए झारखंड के रांची से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विशाल सिंह पहुंचे और उन्होंने किसानों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि जैविक खेती से फसल की पैदावार बढ़ जाती है और वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करके भी अच्छी फसल उगाने के लिए जमीन तैयार की जा सकती है। देखिए, प्रोजेक्ट इसने अभी बहुत नया है, सन 2018 में ही इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक बहुत नेक मकसद के साथ मैंने इसकी शुरुआत करी है। अभी तक मैं 167 किसानों को अपने साथ जोड़ पाई हूँ, जिसमें कि उनकी एक एक बीघा ज़मीन मैंने अभी उनसे मांगी है कि आप उसमें सिर्फ एक ट्रायल के बेसिस पे ऑर्गेनिक करिए, आप देखिए कि क्या अंतर है इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सारे किसान जुड़ गए हैं उसमें और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी प्रोजेक्ट इसने इस कार्य में जिस तरीके से प्रयासरत मेरा एनजीओ है, तो मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी और मैं मुरादाबाद जनपद की भूमि को इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम हूँ। किसानों को साहब इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसमें एक तो उनका, देखिए, जो उनका पैसा खर्च होता है केमिकल्स खरीदने में और उसके साथ केमिकल्स खरीदते हैं वो, और दूसरा बीमारी भी इनडायरेक्ट वे में हम बीमारी को भी खरीदते हैं। तो जब हम अपने यहाँ, एक तो पशुपालन बढ़ेगा, उनका पशुपालन बढ़ेगा, उससे उनको हम बढ़ रहे हैं। किसान को ये बता रहे हैं कि खाली ज़मीन होना ही ज़रूरी नहीं है, आप कम ज़मीन में भी किस तरीके से पशुओं को रख के उससे भी आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। पशुओं के गोबर को जीवा, उससे उनके मूत्र से आप, गाय के मूत्र से आप जीवामृत बना सकते हैं, जो कि हमारी जैविक खेती के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इससे जैविक खेती, ये एक भ्रम है, मैं आपको बता दूं, ये किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाया हुआ है कि आपका जैविक खेती से उत्पादन अच्छा नहीं होता है। ये मैं सीएल गुप्ता फार्म पे, ये जो मैंने यहाँ करा है, ये मैं इसमें पिछले 6 महीने से रिसर्च करके देख रही हूँ, ये जैविक खेती से भी हम बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते हमें कोई प्रॉपर तरीके से हमारे को दिशा निर्देशन दे। अगर हम अभी, तो मैंने प्रेजेंट जो अभी मेरी ये पैडी की फसल हुई है, इसमें मैंने जोड़ा है, आगे भी जैसे जैसे आती जाएंगी सब में मैं जोड़ती जाऊंगी। आज यहाँ पर 1:30-2 बजे मेरे किसान आ रहे हैं, जो आप डायरेक्टर सर यहाँ आए हैं विशाल जी, आप जो है ICAR के, आप जो है जो इनका इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके आप डायरेक्टर हैं रांची के, और आप पिछले 11 सालों से नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर बिहार में डायरेक्टर थे, और आपको मैंने स्पेशली आमंत्रित किया है और आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट इसने की यही सोच थी कि जो मेरे यहाँ पर रिसर्च सेंटर में मैंने जो जितने आम के पेड़ हैं, कि मैं किसानों को ये बात सिखा सकूं कि आप इसकी कैसे अच्छी तरीके से प्रूनिंग करें, कैसे देखभाल करें, जिससे कि ये पेड़ आपको अगले सीज़न में और उसके अगले सीज़न में और अच्छा उत्पादन दे सके। खाली एक आदमी को बुला के भी मैं प्रूनिंग करवा सकती थी। चूँकि प्रोजेक्ट इसने का जो उद्देश्य है वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर है, अपने क्षेत्र के किसानों को एजुकेट करना है, उनकी इनकम बढ़ाना है, उनकी लाइवलीहुड, इनविटेशन शहर स्वीकार करके मेरे किसानों के साथ आप एक सेशन ले चुके हैं,
सेकंड सेशन अब आपका 2 बजे से है, जिससे कि मेरे किसान ट्रेंड हो जाएंगे और फिर वो आगे आके और किसानों को इस एरिया के ट्रेनिंग दे पाएँ।